केरल में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले आज पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। बजट में शिक्षा, नौकरी और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। तो बजट में है क्या खास, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने आज 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। केरल में कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए इस बार का बजट अहम माना जा रहा था। पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार के इस विधानसभा का ये आखिरी बजट भी है। इसाक ने पूर्ण बजट पेश किया है, लेकिन सदन सिर्फ 4 महीने के लिए लेखानुदान को ही पारित करेगा। 25 मई 2016 को पी विजयन ने राज्य के सीएम पद की शपथ ली थी और मई के अंत तक राज्य में नई विधानसभा का गठन भी हो जाएगा। नई सरकार बाकी के 8 महीने के लिए अलग से बजट पेश करेगी। केरल सरकार ने इस बार बजट में शिक्षा, नौकरी और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बजट में कल्याणकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचारों, शिक्षा और कृषि के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। बजट में रोजगार पैदा करने और स्टार्टअप की मदद के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित हैं। बता दें कि सरकार ने कहा कि उसे स्टार्टअप परियोजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए 20,000 नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। राज्य सरकार के नेतृत्व वाली वेंचर स्टार्टअप योजना की भी घोषणा की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट के अन्य मुख्य आकर्षण में 8 लाख रोजगार के अवसर शामिल हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 4,000 नए पदों का सृजन शामिल है। इसके साथ ही एलडीएफ सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सामाजिक कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। इससे लगभग 60 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। साथ ही सरकार ने रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपए प्रति किलो और नारियल के लिए 32 रुपए और धान के लिए 28 रुपए प्रति किलो MSP घोषित किया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि घर के पास काम परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, साथ ही बीपीएल परिवारों को 25% की सब्सिडी पर लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे और 3 औद्योगिक गलियारों को 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।